नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधते हुए कहा कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आदिवासी होने की वजह से उन्हें निमंत्रण नहीं दिया गया था, जिस पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का भी बयान सामने आया। उन्होंने राहुल गांधी के इस बयान को भ्रामक और असत्य और समाज में भेदभाव पैदा करने वाला बताया। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। 30 अप्रैल 2024 टाइम्स ऑफ इंडिया के नई दिल्ली संस्करण में राहुल गांधी जी के भाषण को उद्धृत किया गया है। राहुल जी ने गुजरात में किसी सभा में बोलते हुए कहा है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर भारत की राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को आदिवासी होने के कारण नहीं बुलाया गया। हमें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का महामंत्री होने के नाते, ट्रस्टी होने के नाते राहुल जी के इन वाक्यों पर गंभीर आपत्ति है। ये वाक्य नितांत असत्य हैं, निराधार हैं और भ्रामक हैं। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से ट्वीट भी किया गया, जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि आज सुबह कुछ स्कूलों में धमकी भरे ईमेल मिले हैं। ये जो मेल है वो फर्जी प्रतीत होते हैं और इनसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दिल्ली पुलिस सुरक्षा एजेंसियों प्रोटोकॉल के अनुसार सभी जरूरी कदम भी उठा रही है। आपको बताते चलें कि आज सुबह स्कूलों को धमकी भरे ईमेल मैसेजेस मिले, जिसको लेकर सभी जगह हड़कंप मच गया। जिसके बाद में गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपको बताते चले कि दिल्ली एनसीआर के कई स्कूलों में धमकी भरे ईमेल मिले हैं, जिससे स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। बताया ये भी जा रहा है कि दिल्ली एनसीआर के 100 से भी ज्यादा स्कूलों में बम की धमकी मिली है, जिसमें डीपीएस, एमटी, मदर मैरी स्कूल समेत कई बड़े स्कूलों के नाम शामिल हैं। बम की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस के साथ में बम निरोधक दस्ता और अग्निशमन विभाग का दस्ता भी मौके पर पहुंचा। स्कूलों में तलाशी अभियान भी चलाया गया। बताया यह भी जा रहा है कि अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। तो सीधा आपको लिए चलते हैं कोरबा, जहां पर जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा में गृह मंत्री हुए हैं शामिल और अमित शाह ने जनसभा को भी संबोधित किया है। क्या कुछ कह रहे, सुनाते आपको। श्री भैयालाल रजवाड़े जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं यहां आया हूं, हमारी लोकप्रिय प्रत्याशी डॉक्टर सरोज पांडे जी, जोर से ताली बजाइए सरोज बहन के लिए। और आज कोरबा की इस महान भूमि पर आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों और बहनों, चेतुरगढ़ की आदि शक्ति महिषासुर मर्दिनी मां को मैं प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा लेट हो गया, गर्मी भी है, हमारे लोगों ने पेंडल थोड़ा कम डाला है, बहुत सारे लोग धूप में खड़े हैं। मैं सभी लोगों को क्षमा प्रार्थना कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले बता देता हूं, जब चुनाव होता है तब प्रत्याशी कहते हैं कि हमारे यहां सभा करने आइएगा। काफी लोग फोन करते हैं, मगर एक सीट है जहां मैंने सरोज बहन को कहा था, सरोज बहन मैं आपके यहां जरूर आऊंगा, आपको जीत करा। भाई और बहनों, मैं छत्तीसगढ़ राम का नैनीहाल है, नैनीहाल वालों के सामने आया हूं। मैं मन से एक बात पूछना चाहता हूं,
मुझे बताओ भैया, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक कांग्रेस पार्टी जो आज हमारे खिलाफ लड़ रही है, 70 साल से राम जन्मभूमि के मसले को अटका कर रही, लटका कर रही, भटका कर रही। अरे छत्तीसगढ़ वालों, आपने 11 में से 9 सीटें देकर मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, एक 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। और 500 साल के बाद रामलला को अपमानित कर मंदिर में नहीं बिठाया था। 500 साल के बाद हम ऐसे भाग्यवान लोग हैं जिनके जीवन में ये दिन आया कि हमने राम लल्ला के कपाल पर सूर्य तिलक को देखा, भाइयों सूर्य तिलक। और एक कांग्रेस पार्टी जब राम जन्मभूमि पे राम लल्ला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती थी, उनको निमंत्रण भेजा गया, सोनिया जी को भी भेजा, राहुल बाबा को भी भेजा, खड़गे साहब को भी भेजा। साहब मैं तो आश्चर्यचकित हो गया, कोई राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा का नियम निमंत्रण को धुतकार सकता है क्या? ये कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटी के डर से, उनकी वोट बैंक के डर से इन्होंने राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को धुतकारा है। आप तो नैनीहाल वाले हो, एक कांग्रेस वाले आए तो पूछना किस मुंह से वोट मांगने आए हो। हमारे राम लल्ला का प्राण प्रतिष्ठा था, आप तो गए ही नहीं। भाई और बहनों, इनके लिए वोट बैंक ही बहुत दूं। मुझे बताओ छत्तीसगढ़ वालों, छत्तीसगढ़ में से नक्सलवाद समाप्त होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अरे जोर से बोलो, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये भूपेश कक्का की सरकार थी, नक्सलवाद को बढ़ावा देते रहे। विजय बैठा है यहां, हमारे विष्णुदेव जी की सरकार बनी, हमारे उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री विजय जी बैठे, 4 ही महीने में 95 लोगों को ढेर करने का काम कर दिया। 350 लोग अरेस्ट हुए, कई सरेंडर हुए। मैं आपको कहकर जाता हूं, मोदी जी ने झारखंड, बिहार, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उससे नक्सलवाद को 5 साल में समाप्त किया है। छत्तीसगढ़ छूट गया था क्योंकि यहां भूपेश कक्का की सरकार थी, मगर मैं कहकर जाता हूं मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओ, 2 साल में नक्सलवाद को मूल समेत उखाड़ कर हम फेंक देंगे। हमारे सुरक्षा बलों ने पराक्रम किया, 29 नक्सलवादी मारे गए, कल भी 10 मारे गए। और ये भूपेश कक्का नीलजता से कहते हैं कि फेक एनकाउंटर। अरे भूपेश कक्का, नक्सलियों ने स्वीकार कर लिया कि हमारा बड़ा नुकसान हुआ है। एक कांग्रेस वाले शर्म नहीं खाते हैं भाई, शर्म नहीं खाते। जीतने के लिए, चुनाव जीतने के लिए इस देश में आतंकवाद और नक्सलवाद का पोषण कांग्रेस पार्टी सालों से कर। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है,
यहां आपने कमल फूल की सरकार बनाई है, ऊपर मोदी जी की कमल फूल की सरकार बनने वाली है, नक्सलवाद को जाना ही जाना है। मुझे बताओ भाई, दो चरण के चुनाव हो गए, आपको परिणाम जानना है क्या? जोर से बोलो, जानना है क्या? मैं बता देता हूं मगर कहीं बताना मत, नहीं बताओगे ना? अरे सरदार जी, तुम पूछो, बताओगे नहीं ना घर पे? पक्का? तो मैं बता देता हूं, दो चरण में हमारे मोदी जी सेंचुरी मारकर बड़े आगे निकल गए। ये तीसरा चरण 400 पार की दिशा में आगे बढ़ना है, और तीसरे चरण में सरोज बहन लड़ रही है कोरबा वालों, कठिन सीट है। गत समय आपने हमें आशीर्वाद नहीं दिया था, फिर भी हमने सोच समझकर सरोज बहन को आप पर भरोसा कर यहां भेजा है। तो जिताओगे क्या? अरे जोर से बोलो, जिताओगे? भाई देखो, हर क्षेत्र वाले कहते हैं हमारे सांसद को बड़ा बनाइए, कहते हैं या नहीं कहते हैं? हमने तो बड़ा बना हुआ नेत्री ही आपके यहां भेज दिया है, आपको सिर्फ चुनकर भेजना है। गलती मत करना कोरबा वालों, मैं आपको कहने आया हूं, सरोज बहन को जिताकर भेज दो, कोरबा के गांव गांव की चिंता नरेंद्र मोदी जी करेंगे, नरेंद्र मोदी। भाइयों बहनों, मोदी जी के पास 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड भी है और 25 साल का एजेंडा भी। ये छत्तीसगढ़ ज्यादातर पिछड़ा वर्ग, दलित, सतनामी समाज और आदिवासी भाइयों बहनों का क्षेत्र है। मोदी जी ने 2014 में कहा था कि हमारी सरकार जो बनेगी वो गरीबों की होगी, दलितों की होगी, आदिवासियों की होगी, पिछड़ों की होगी। और मोदी जी ने 10 साल में ढेर सारे काम किए, हर गरीब को घर दिया है, घर में नल से जल दिया है, गैस का सिलेंडर दिया है, 5 लाख तक का बीमा दिया है, हर व्यक्ति को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो चावल भेजा है, शौचालय बना कर दिया है। और कोरबा वालों बताओ भाई, कोरोना का टीका लगा है या नहीं लगा है? अरे जिसको लगाया है, 2 टीके लगाए भाई, दोनों हाथ ऊपर करो, लगा है ना? किसी को 4 आना देना पड़ा है क्या? मोदी जी ने कॉफी पिलाकर मुफ्त में कोरोना का टीका लगाकर देश को कोरोना से सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, भाइयों बहनों, नरेंद्र। अरे राहुल बाबा उस वक्त भी कहते थे ये मोदी टीका है मत लगाइयो, ये तो अच्छा है कोरबा वालों, आप लोग उनका सुनते नहीं हो, आपने टीका लगा दिया, कोई उनकी सुनता नहीं, देश बनने लगा है। फिर एक दिन परेशान होकर वो भी रात को बहना को लेकर अंधेरे में टीका लगाए। अरे राहुल बाबा शर्म करो, शर्म करो, कोरोना जैसी महामारी में भी राजनीति करते हो। भाई और बहनों, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का अर्थ है कि देश को नक्सलवाद और आतंकवाद से मुक्ति दिलाना, देश के गरीब को, देश के गरीब के कल्याण की चिंता करना, पूरे देश को विकसित बनाना, जनजातियों का सम्मान की चिंता करना और हमारे छत्तीसगढ़ को देश का सबसे पहला नंबर का राज्य बनाना। मैं जानता हूं सरोज बहन के साथ मैंने संगठन का काम किया है, वो पहले भी सांसद रही है, राज्यसभा की भी रही, लोकसभा की,
मेयर भी रही, अभी आपकी सांसद लापता सांसद के नाम से जाना जाता है। आप लोग समझते हो कि वो संसद में रहती होगी, संसद में भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, मालूम नहीं है कहां पर, हमें नहीं मालूम है कहां। मगर सरोज बहन को चुनकर देखो, आप परेशान हो जाओगे कि हर बार गांव में क्यों आ जाती है, इतनी बार आपकी समस्याओं का समाधान करेगी। भाई और बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने कई महत्वपूर्ण फैसले मोदी जी के नेतृत्व में किए हैं। मुझे बताओ कि कश्मीर जो है ये हमारा है या नहीं है? ऐसे नहीं सुनाई पड़ता भाई, मुझे जोर से बोलो, है या नहीं? ये खड़गे जी कहते हैं राजस्थान और छत्तीसगढ़ वालों को, कोरबा वालों को कश्मीर से क्या लेन देन? खड़गे साहब, आप 80 पार कर गए मगर देश को नहीं जान पाए। मैं आपको बताता हूं, कोरबा का मेरा बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए जान देने के लिए तैयार है, जान देने। कोरबा वालों मुझे बताओ, धारा 370 हटानी चाहिए थी या नहीं हटानी चाहिए थी? एक कांग्रेस पार्टी 70 साल से धारा 370 को एक अनोरस बच्चे की तरह गोदी में खिलाती रही, उनको वोट मिलते थे। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया। और भाई और बहनों, 70 साल के बाद हमारे कश्मीर में भारत का तिरंगा बड़ी शान के साथ लहरा रहा है। भाई और बहनों, जब मैं धारा 370 हटाने का बिल लेकर खड़ा हुआ, फिर राहुल बाबा खड़े हो गए और कहे धारा 370 मत हटाओ। मैंने बोला क्यों ना हटाए भाई, क्यों ना हटाए? तो उन्होंने कहा खून की नदियां बह जाएगी कश्मीर में। राहुल बाबा, 5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, कंकर चलाने की किसी की हिम्मत नहीं है, कंकर चलाने। ये नरेंद्र मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी जी ने इस देश से आतंकवाद को हमेशा के लिए समाप्त। कोरबा वालों, एक कांग्रेस पार्टी का एक सूत्र है, झूठ बोलो, जोर से बोलो, सार्वजनिक रूप से बोलो और बार बार बोलो। वो कहते हैं मोदी जी को बहुमत मिलेगा तो मोदी जी आरक्षण हटा देंगे। मेरा फेक वीडियो बनाकर सर्कुलेट करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कोरबा वालों, 10 साल से आपके आशीर्वाद से मोदी जी के पास बहुमत है। मोदी जी ने आरक्षण ना हटाया ना हटाएंगे। बहुमत का उपयोग क्या किया? 370 हटाने के लिए किया, राम जन्मभूमि का मंदिर बनाने के लिए, सीए लाने के लिए, ट्रिपल तलाक हटाने के लिए किया। और अब यहां सरकार दी, बहुमत का सरकार का उपयोग नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए हम कर रहे हैं। नक्सलवाद, भाई और बहनों, मैं आज एक मोदी का गारंटी देने आया हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद भारत की संसद में है, एसटी एससी और ओबीसी के आरक्षण को ना हम हटाएंगे ना कांग्रेस पार्टी को हटाने देंगे। ये मोदी का गारंटी है। ये झूठ फैलाते भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजाति के कल्याण के लिए, आदिवासियों के कल्याण के लिए ढेर सारे काम किए। कांग्रेस के जमाने में आदिवासी कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय के तहत एक छोटे से जॉइंट सेक्रेटरी का कार्यालय, अटल जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने आदिवासी कल्याण मंत्रालय बनाया,
नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स बनाया और नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का काम नरेंद्र मोदी ने 70 साल तक 55 साल सत्ता में रहने वाली कांग्रेस पार्टी कभी आदिवासी बेटा या बेटी को राष्ट्रपति नहीं बनाया। मोदी जी ने ओडिशा के गरीब आदिवासी की बेटी बहन द्रौपदी मुर्मू को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाकर आदिवासियों का सम्मान किया। ये कांग्रेस पार्टी आदिवासी कल्याण का उनका बजट 2013-14 में 28,000 करोड़ था। कितना था भाई बोलो जरा, अरे जोर से बोलो। मोदी जी ने इसको बढ़ाकर 1,28,000 करोड़ करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। भाई और बहनों, 700 से ज्यादा एकलव्य स्कूल बनाए, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड 75,000 करोड़ रुपया खदानों से आदिवासी कल्याण में खर्च किया और सिकल सेल एनीमिया समाप्त करने के लिए हम आगे बढ़ गए, एक बड़ा रिसर्च सेंटर बना रहे हैं। भाई और बहनों, मोदी सरकार ने किसानों के लिए भी ढेर सारे काम करे। ये भूपेश कक्का झूठ फैलाते रहे, हमारे विष्णुदेव साई जी ने आकर सारा धान 3100 रुपया मैट्रिक टन के हिसाब से खरीद भी दिया और पुराना नुकसान भी आपका भरपाई कर दिया। भाई और बहनों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 12 करोड़ किसानों को ढेर सारे फायदे देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है और मैं आज आपको बताने आया हूं भी। खड़गे जी कहते हैं मोदी जी आएंगे तो गरीबों का सत्यानाश होगा। मैं खड़गे जी को पूछना चाहता हूं, 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा के बाहर निकालना गरीबों का फायदा हुआ या नहीं हुआ? भाई आप भी बोलना, हुआ या नहीं हुआ? 80 करोड़ गरीबों को राशन देना मुफ्त में फायदा है या नहीं है? 12 करोड़ माताओं को शौचालय मिला फायदा है या नहीं है? 4 करोड़ लोगों को घर दिया फायदा है या नहीं है? 14 करोड़ लोगों को नल से जल दिया फायदा है या नहीं है? 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा दिया फायदा है या नहीं है? अरे खड़गे साहब, काहे को ये परिवार के लिए झूठ बोल रहे हो? 4 जून को हारने के बाद ठीकरा आप पर ही फूटने वाला है, आपको मालूम नहीं है? ये किसी के नहीं होते खड़गे जी, बड़ी लंबी सूची है। 4 जून को जैसे ही कांग्रेस हारेगी, ये भाई बहन सुरक्षित रहेंगे, बेचारे 80 की आयु के खड़गे जी की बलि चढ़ने वाली। मैं तो खड़गे जी को सलाह देना चाहता हूं, भाई इसके लिए झूठ मत बोला करिए, आप जो सच है बताइए। भाइयों बहनों, कोरबा के लोग इतनी बड़ी संख्या में, हजारों की तादाद में यहां आए हैं, मैं आप सभी को विनंती करने आया हूं, सरोज बहन के नाम के सामने जो कमल का निशान है, वो कमल के निशान पर दबाया हुआ बटन, आपका दिया हुआ एक एक वोट नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएगा, ये बात आप जान कर रखिए। तो आप गृह मंत्री अमित शाह को सुन रहे थे, जो कि कोरबा पहुंचे थे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। फिलहाल इस बुड़े में इतना ही, नमस्कार।